सरफराज, आप एज अ प्लेयर खेल रहे हैं और क्या एज ए विकेट कीपर खेलेंगे? अगर आप एज ए विकेट कीपर खेलेंगे तो अभी भी सर्कट में देखें तो विकेट कीपर हैं हारिस, सुहेल आपके बैक पे हैं, रिजवान है, तो आपको नहीं लगता कि अब वो डिसीजन आने वाला है कि आपको अब पाकिस्तान की किसी और साइड पे क्रिकेट की खिदमत करनी चाहिए? ये टूर्नामेंट अगर आप भी खेल रहे हैं, बहुत सारे सीनियर्स खेल रहे हैं, तो फिर यंगस्टर्स कहाँ से आएंगे, उनको कहाँ से मौका मिलेगा? सर देखिए, वक्त आने पर सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल हो जाएंगी, वक्त के साथ सारी चीज़ें होती हैं। और अभी मुझे लगता है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो जब मुझे लगेगा कि मैं नहीं खेलता तो डेफिनेटली मैं क्रिकेट से साइड अख्तियार कर लूँगा। देखिए भाई, बहुत माजा के साथ आपने सवाल अच्छा पूछा, लेकिन मैं राइट बंदा नहीं हूँ वो जवाब देने के लिए। और वैसे ही मैं चैंपियन कप के लिए बैठा हूँ, तो अगर आप मुझसे उसके बारे में सवाल कर देंगे तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बता दूँगा। अगर आपको उसके बारे में, सर मेंटोर कर रहा हूँ ना मैं, चैंपियन डोमेस्टिक की मेंटोरिंग कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम की मेंटोरिंग नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली देखें यार, चीज़ें बेटर होंगी। बात देखें इसमें हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर सारे मीडिया के बहुत सारे वो लोग बैठे हुए हैं जिनको मैंने भी बहुत बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। तो देखें, अब ये सबकी एक कलेक्टिव एफर्ट है, अब टीम को बैक करना पड़ेगा। देखें जो भी है, हमारी पाकिस्तान की टीम है, ऑब्वियसली देखें बुरा टाइम ज़रूर चल रहा है, लेकिन देखें जब बुरा टाइम आता है तो बुरा टाइम भी नहीं आता, तो अच्छा टाइम भी आज इंशाल्लाह आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि होपफुली पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में कमबैक करेगी और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देगी आगे इंशाल्लाह। सरफराज भाई, अभी आपने कहा है कि आप चैंपियंस कप खेलेंगे, अभी आप टीम में भी शामिल हैं पाकिस्तान की टीम में, तो आपको नहीं लगता ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जाके हो जाएगा कि जिनके साथ आप खेलेंगे पाकिस्तान टीम में वही आपके अंडर खेलेंगे, तो आप कैसे उनको कहेंगे यार जाके इधर फील्डिंग कर या वहाँ पे फील्डिंग कर? मैं नहीं कहूँगा। ऑब्वियसली देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, एक हमारी प्रॉपर टीम होगी, कैप्टन होंगे। देखें ग्राउंड के अंदर वो जो लोग हैं, ग्राउंड के अंदर जो कैप्टन होगा वो सारा इंचार्ज होगा और वही सारे कुछ करेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि हम कोशिश ये करेंगे कि कैप्टन उन्हीं को बनाए, कैप्टन और वाइस कैप्टन, जो कि आगे जाके जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान के लिए शायद वो कैप्टनशिप के लिए भी उम्मीदवार हों। तो ऐसी ऐसी प्रोडक्ट मौजूद होना कि भाई अगर आपको कैप्टन ढूंढना है तो यार ठीक है, इस टीम में ये लड़का था, इस टीम में इसी कप्तानी की, तो वो लड़के होंगे। बाकी देखें, टीम होगी ज़बरदस्त, अच्छे कोचेज होंगे, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि सब ने वो कोचेज सेलेक्ट किए जो कि ग्राउंड लेवल पे 19-16 या शाहीन लेवल पे काम किया हुआ, तो अच्छी टीम होगी, मिल के कोशिश करेंगे, अच्छा काम करें। बाकी आप बेफिक्र रहें कि किसी को डांट टपट नहीं होगी ग्राउंड के अंदर। सरफराज, जिस तरह उमर अकमल ने खेले, अहमद शहजाद ने खेले, उन्होंने खुद इनकार कर दिया, सीनियर अगर खेलते तो जो दूसरे लोग हैं अंडर 19 अंडर 21 वाले, तो उनको सीखने का मौका मिलता। एज ए मेंटोर आप कितना मिस करेंगे इन प्लेयर्स को कि उनको खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल उनको खेलना चाहिए क्रिकेट, अगर वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पहले तो उन्होंने खुद इसी डिसाइड करना कि उन्होंने क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी। आई थिंक दोनों बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड प्लेयर हैं, टैलेंट पर तो उनके कोई दोराई नहीं है कि जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, डोमेस्टिक के लिए खेली, बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक ये उनका अपना डिसीजन है। और देखें, सीनियर और जूनियर का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्रिकेट खेलते हुए। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो भी सीनियर लड़का है उसने अगर अपनी जगह बनाई है, चाहे वो डोमेस्टिक का हो चाहे वो पाकिस्तान टीम का हो, वो एक मेहनत से इस मकाम पर पहुंचता है। हमारा जो थोड़ा सा ये पॉलिसी चल पड़ा है कि यार यंग बच्चे लेके आने, यंग बच्चा अपनी जगह खुद बना लेगा जब वो परफॉर्म करेगा और उस सीनियर लड़के की जितनी परफॉर्मेंस करेगा। अब हमें ये चीज़ को थोड़ा सा हमें पीछे साइड करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें होती हैं कि यार यंग को लेके आओ। हाँ बिल्कुल, यंग आएगा अपने टाइम से, अपनी जगह बनाएगा, वो परफॉर्मेंस करेगा, उस क्राइटेरिया को मेंटेन करेगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। जो लड़के सीनियर खेल रहे हैं उन्होंने बड़ी बड़ी पासने परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं, हाँ वो परफॉर्मेंस नहीं करते डेफिनेटली वो टीम से बाहर जरूर होंगे, लेकिन हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो, चाहे वो डोमेस्टिक की टीम हो, चाहे वो कोई भी टीम हो, सीनियर और जूनियर खेलेंगे साथ मिलकर तो सीनियर अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जूनियर अगर सीखने वाला होगा तो उस सीनियर से बहुत कुछ सीख लेगा। क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली है, तो मैंने उन प्लेयरों के साथ खेला है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं। कुछ प्लेयर थे जो कि कोचेज थे हमारे, आपके सामने आके बैठे सकी भाई थे, वकार भाई थे, मिसबा भाई थे, शेब भाई मिसबा भाई के साथ मैं खेला हूँ, दोनों के अंडर में खेला हूँ और बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला जो कि मेरे करियर में मुझे आगे काम आया। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सबको ये बैठ कर ये सोचना पड़ेगा। आप लोग भी ऑब्वियसली आप लोग लिखते हैं, सारा कुछ बोलते हैं, सीनियर और जूनियर को साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए, जब एक टाइम आएगा तो जूनियर अपनी जगह को सीनियर की जगह ले लेगा। नहीं देखें यूसुफ भाई, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप ये बोलें कि ये 12-13 दिनों में 14 दिनों में चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखें सबकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट बेहतर हो, अभी हम सब बैठे हुए भी थे तो सबका यही एम था कि यार पाकिस्तान के लिए अब अच्छे से अच्छा करना है। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब कोशिश यही करेंगे सब मिलकर कि देखें अच्छे से अच्छे लड़के जो है वो पाकिस्तान टीम की तरफ भेजें, ताकि वो जाके हर लिहाज से पाकिस्तान टीम को हर फॉर्मेट पर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम दुआ को हैं इंशाल्लाह
कोशिश करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। और अभी सारे आपके सामने प्लेयर्स वो प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया हुआ है, तो उनका एक्सपीरियंस हम उन सबके पास मौजूद है। मैं भी कोशिश करूँगा कि उनसे सीखूँ और हम कोशिश सब मिलकर करेंगे कि अल्लाह करे पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर मिल सकें इस टूर्नामेंट से और आगे जो भी टूर्नामेंट आ रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर मिल सकें। नहीं नहीं सर, देखिए जो हमने प्लेयर्स पिक किए ना, वो हमने अपनी पूरी सारी वर्किंग की है और उसके बाद हमने वो प्लेयर्स जो है ना पिक किए, क्योंकि पूरा एक ड्राफ्ट ऑर्डर था, हमें 150 प्लेयर बता दिए गए थे ये प्लेयर्स हैं, उसके बाद हमने अपनी कोशिश के साथ वर्किंग की है और उसके बाद फिर हमने प्लेयर जो है वो खुद सिलेक्ट किए हैं हमने। तो जो जो भी हमारे टारगेट थे, जैसे अगर आप बात करते हैं 19 प्लेयर्स की, तो हमारे पास जो है तैयब आरिफ बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है, अपना रियाजुल्ला मौजूद है, उवैस अली बड़े ज़बरदस्त प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर हैं, सलमान खान है, गाजी वारी हैं जो कि विकेट कीपर थे। ऐसे प्लेयर हमने 19 से पिक किए जो हमारी पूरी वर्किंग थी, हमने पूरे डोमेस्टिक के जो मेरे कोचेस थे उनके साथ बैठ के हमने इन पर काम किया और कोशिश यही करेंगे वही प्लेयर हमने लिए। 19 के प्लेयर्स भी हैं, कुछ डोमेस्टिक के प्लेयर्स भी हैं, कुछ जो है सीजन प्लेयर भी हैं, तो ऐसे मिलजुल के हमने जो है वो टीम बनाई है। कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं वो भी टीम के अंदर मौजूद हैं, तो सारे प्लेयर्स जो है वो टीम के अंदर मौजूद हैं और हमारी कोशिश होगी जो 19 के प्लेयर्स हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से उनके डेवलपमेंट करके फिर उनको आगे लेके आया जाए। नहीं से देखें बिल्कुल जो है, जो भी आपने जैसे आपने सवाल पूछा बिल्कुल जो है मैं अवेलेबल हूँगा, और अगर इमेज सेक्शन होती है पाकिस्तान टीम के लिए डेफिनेटली मैं उनके लिए अवेलेबल हूँगा, और जो भी मुझे क्रिकेट मिलेगी यहाँ पर डोमेस्टिक में और टीम के साथ रहूँगा और जो भी मेरी ड्यूटीज हैं उसको अंजाम देने की कोशिश करूँगा। सरफराज क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं? सर मैं ठीक हूँ। अच्छा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है, जो तरीकाकार है, जो चल रहा है, कई कप्तानों से ज्यादती हुई है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो क्या आप समझते हैं कि चैंपियंस लीग में जो अच्छे लड़के आप तैयार करेंगे, जिनको मतलब समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम में जा सकें, तो मेरिट पे उनकी सिलेक्शन हो सकेगी? सर देखें बिल्कुल क्राइटेरिया यही बनाया हुआ है, ऑब्वियसली पीसीबी ने पूरी कोशिश की है डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको जो 150 लड़के हैं उसमें लेके आए, और हमारी यही कोशिश होगी कि हमने जो भी अपने लड़के टीम में पिक किए हैं उनको मेरिट पर जो है पूरा मौका दें। और जहाँ तक रही कैप्टन की बात, तो देखें कैप्टन बिल्कुल उन्हीं को बनाएंगे जो कि पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, कैप्टन भी हमारा वही होगा और वाइस कैप्टन भी वही होगा। हर मेंटोर की यही ख्वाहिश होगी कि वो अपने कैप्टन से वाइस कैप्टन वो बनाए जो कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में कप्तानी कर सकें और पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक खेल सकें। तो आपने जिस तरह कहा कि अभी मैंने मेरी क्रिकेट बाकी है खेलूंगा, तो जिस तरह ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, क्या उसमें भी आप शरीक होंगे? सर मुझे बुलाएंगे तो बिल्कुल मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर मुझे बुलाएंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिटनेस टेस्ट देने के लिए तो सर मैं अवेलेबल हूँ।